वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग, हालांकि हमने कहा था आप लोगों को ये यू कैन ट्राई योर सेल्फ टू डिराइव द इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f इन कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, बट वी हैव सम आर्गुमेंट्स फ्रॉम द सम स्टूडेंट्स दैट वी गिव द डिराइवेशन ऑन द बोर्ड। ठीक है, दिस इज, इसमें डिफिकल्टी क्या है टू ड्रॉ द डायग्राम। यदि आपका डायग्राम सही ड्रॉ है तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व इट, तब इसको जो है ना डिराइव करना बहुत आसान है। दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, दिस इज योर पोल पी, दिस इज द फोकस एफ, एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली स्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ए बी। ठीक है, अब ए बी से हमें एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कर रही है एट पॉइंट एम, एम पर इंसिडेंट करती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद या फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से होकर नहीं जाएगी बल्कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये तो चली गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक दूसरी रे हम इंसिडेंट कराते हैं नॉर्मली, विच है ना पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यह कहां से पास करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो चूंकि नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यह रिट्रेस इट्स पाथ या वापस अपने उसी दिशा में वापस लौट जाती है। बोथ द रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस बिहाइंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ना बी डैश एंड ए, सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। सो नाउ वी हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन। आइए देखते हैं, हमारे पास यू हैव टू, सबसे बड़ी चीज है इसमें सिलेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक पेयर ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ना ए डैश बी डैश सी। जरा गौर से देख लें, आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, क्योंकि एंगल ए तो ए डैश राइट एंगल है और सी दोनों में कॉमन है। तब हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू ए डैश सी बटा छोटे वाले ट्रायंगल में ए डैश सी बटा बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी। ए सी बराबर क्या होगा? पी ए जोड़ पी सी। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू ए डैश सी। अब यहां हम इसको सर्किट करें, ए डैश सी इक्वल टू क्या होगा? पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश। ध्यान से देखें, पी सी माइनस पी ए डैश तो ए डैश सी हो गया, और ये क्या आ गया? पी ए प्लस पी सी।
PA+BC। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ हैव द सेकंड पेयर। सेकंड पेयर के लिए हम यदि हम मान लें कि यह एपर्चर बहुत छोटा है, जो एपर्चर है इस मिरर का तो बहुत छोटा है, तो एमपी जो होगा वह लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। लगभग क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं ट्रायंगल एमपीएफ, ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल हो गया A'B'F। ये भी सिमिलर है क्योंकि यह एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले में कॉमन हो गया, और ये भी राइट एंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल हो जाएगा, तो सिमिलर हो गया। तो फिर A'B'MP बराबर क्या आएगा? छोटे वाले में A'F/PF। अब जरा देखें, एमपी चूंकि स्ट्रेट लाइन एज्यूम हमने किया है ना, यहां लिख देते हैं सिंस है ना एपर्चर इज वेरी स्मॉल, सो एमपी रिगार्डेड एज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तब वैसी स्थिति में एमपी बराबर एबी के हो जाएगा। एमपी और एबी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे A'B'AB इक्वल टू A'F। अब देखें A'F बराबर क्या होगा? PF माइनस PA'। PF माइनस PA' बटा, ठीक है ना, PF सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन टू। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम मिलाते हैं तो दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पीसी माइनस PA'PA+PC इक्वल टू PF-PA'PF। ठीक है, जरा इसका हम वैल्यू पुट करें। पीसी क्या है? आर। किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं? इन द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होगा। PA' ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस यू बटा PA है ना, सॉरी PA' तो B हो गया, ठीक है, पॉजिटिव होता है ना। PA-Q+R इक्वल टू PF यानी फोकस लेंथ माइनस PA' यानी V बटा PF। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो RF-VF, ठीक है, बराबर हो गया इससे करें तो -UF+RF फिर -UV है ना -RV हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, RF दोनों साइड पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो गया,
ठीक है। अब यहां बी एफ हो गया, ठीक है ना, यहां यू एफ है, यहां आर भी है, इसको इधर लेके चले हैं, तो आर भी माइनस बी एफ है ना, इसको भी इधर लेके चले हैं, प्लस बी एफ सॉरी यू एफ इक्वल टू यू पी, चूंकि आर बराबर होता है टू एफ, तो यहां टू एफ लिख दें, तो टू बी एफ हो गया, टू बी एफ माइनस बी एफ प्लस यू एफ बराबर यू भी, इसमें से घट गया तो ये क्या बच गया, बी एफ प्लस यू एफ इक्वल टू यू भी डिवाइड बोथ साइड बाय यू भी एफ, तो ये हो गया यू एफ बटा यू भी एफ प्लस बी एफ बटा यू भी एफ इक्वल टू यू भी बटा यू भी एफ, यू भी कैंसिल, बी एफ कैंसिल, यू एफ कैंसिल, और वन बाय बी प्लस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय, दिस इज आवर डिराइवेशन। थैंक्स, आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ी चीज है आपको इसमें फिगर का जो है ना ड्रॉ करना, यदि सही सही आपने फिगर ड्रॉ किया, सेलेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इट इज वेरी इजी टू डिराइव दिस इक्वेशन। नाउ अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कहता है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। It is denoted by M. It has no unit. यानी मैग्निफिकेशन यह हमें बताता है कि कोई मिरर किसी इमेज का, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना छोटा या कितना गुना बड़ा बना सकता है, ठीक है, ये मैग्निफिकेशन, इससे हमको पता चलता है। हाउ मच टाइम्स द इमेज बी लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में हम देखें कि कैसे होता है, ठीक है। इफ इस डिफिनेशन के अनुसार इफ एच आई इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, एच ओ दैट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देन लीनियर मैग्निफिकेशन यानी एम इक्वल टू एच आई बटा एच ओ यानी लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट
अब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हम चलते हैं बारी बारी से दोनों कन्वेक्स और कनकेव मिरर में हम इसको शो करते हैं। देखें लीनियर मैग्निफिकेशन इन द कनकेव मिरर, ये कनकेव कनकेव मिरर है, ध्यान से देखें। तो एक्स वाई मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर है, एफ फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलरली एक ऑब्जेक्ट ए बी है। हम यहां से दो रेज इंसिडेंट कराते हैं, एक पोल पर जो रिफ्लेक्ट होती है इस डायरेक्शन में, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं जो वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को बी डैश पर काटती हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर बी डैश ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस पर डालते हैं तो बी ए डैश बी डैश ए बी का इमेज होता है, रियल और है ना इन्वर्टेड। यह एंगल और यह एंगल बराबर होता है किसके अनुसार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, क्योंकि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास वी हैव टू सेलेक्ट द टू राइट एंगल ट्रायंगल, एक है ए है ना पी बी है ना ए पी बी, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास है ना ए डैश पी बी डैश ए डैश P, यानी राइट एंगल ट्रायंगल तो लिखना चाहिए तो ऐसे बी ए पी और उसी तरह बी डैश ए डैश पी, ठीक है। तो देखें यह और यह एंगल बराबर है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर है, तो दोनों क्या हो गए सिमिलर और ठीक है। अब देख लें हम जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो क्या हो जाएगा ए डैश पी डैश बटा ए बी इक्वल टू पी ए डैश बटा पी ए डैश बी डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज एच आई, ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट इक्वल टू पी ए डैश क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज PA क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइन में हमारे भी किधर मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, यू किधर मेजर कर रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कार्टेशियन सिस्टम में ये वर्चुअल ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है डाउनवर्ड तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो हमने हम देखा होगा कार्टेशियन सिस्टम में जब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करते हैं तो क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव कैंसिल हो गया तो निगेटिव यानी एच आई बटा एच नॉट इक्वल टू वी बटा यू ये माइनस हो गया, यानी हम यहाँ माइनस रख दें तो या एच आई बटा एच नॉट इक्वल टू माइनस वी बटा यू ये आपका इक्वेशन। और चूंकि पीछे हमने देखा साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को लिनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं तो एम बराबर माइनस बी बटा ये हमारा। अब इसी चीज को एक बार हम कन्वेक्स में डिराइव करते हैं, इसी चीज को हम किसमें डिराइव करते हैं कन्वेक्स में। देखिए ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, देखें तो ये पोल हो गया, ये मान लीजिए ये फोकस हो गई और ये मान लिया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है
प्रिंसिपल एक्सिस पर वर्टिकली, ए बी, तो एक इस पर जो है सीधे पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, जो रिफ्लेक्शन होती है इस डायरेक्शन में, इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक रेज हम ऐसे इंसिडेंट कराते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, ठीक है। ये दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बी डैश पर, यहां से परपेंडिकुलर डाला, राइट एंगल है, ये भी राइट। तो हमको दो एक पेयर राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। तो एक हमने सेलेक्ट किया ए बी पी, ठीक है ना, और दूसरा हमने सेलेक्ट किया यानी ट्रायंगल बी ए पी, ये पहला हो गया बी ए पी। दूसरा हमने सेलेक्ट किया बी डैश ए डैश पी एंड बी डैश डैश। अबे देखें तो यह और यह बराबर, यानी यह और यह बराबर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बराबर है, राइट एंगल बराबर है ये वाला, तो यह क्या हो गया आर सिमिलर। तब इतना बटा, तो देखें ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू पी ए डैश बटा पी ए। अब सबका वैल्यू रख दें, एच आई बटा एच नॉट इक्वल टू पी ए भी पी ए माइनस यू, ठीक है। तो हो गया आपका एच आई बटा एच नॉट इक्वल टू माइनस भी बटा, क्योंकि पीछे हमने क्या पढ़ा, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेनियर मैग्नीफिकेशन, इसलिए m इक्वल टू माइनस बी बटा हो गया। इसे हमने कन्वेक्स मिरर में भी आपको प्रूव कर दिया। इस तरह अब फिगर नहीं है, नेक्स्ट में हम आपको दिखाएंगे लिनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ uf एंड vf दो, एंड देन द यूजेज ऑफ द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स मिरर। थैंक्स।